नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले मामले में गिरफ्तारी हो गई है, और जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आती है। इसी बीच उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर वो ये कहती भी नजर आई कि अरविंद केजरीवाल का शरीर तो जेल में है लेकिन आत्मा जो है यही है, आंख बंद करके आप उसे फील कर सकते हैं। इसके बाद अब केजरीवाल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है उस पर तरह तरह के रिएक्शन भी आ रहे हैं, लोग इसका मजाक भी बना रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जेल से सरकार चलेगी, इस तरीके के काफी कुछ जो है बयान आ रहे थे। अब इस सब मामले को लेकर दिल्ली के जो आप कह सकते हैं कि LG हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने साफ कह दिया है कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक तरफ अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है जो कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लगातार जो है चीजें अपनी तरफ से बोल रही है, बयान बाजी कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कभी कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जल्द ही जो है खुलासा करेंगे, 28 तारीख को, 28 मार्च को कोर्ट में वो खुलासा करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि छापे में ना पैसा मिला ना सबूत मिला, सीएम 28 मार्च को खुलासा करेंगे। और कुछ जो उन्होंने बयान दिए हैं, जो जो टिप्पणी उन्होंने की है, जरा एक दो बयान उनके जो है आप भी सुन लीजिए। नमस्कार। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। दो दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही, इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सतीन जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। जय हिंद। जैसा कि आपने सुना, वो कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो उनका शरीर जो है यहाँ पर जेल में है लेकिन आत्मा यहाँ पर है, इस तरीके की जो बातें उनके द्वारा कही जा रही हैं। वहीं केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मुख्यमंत्री को जो है आपकी चिंता है शराब घोटाले को लेकर, 28 मार्च यानी कल केजरीवाल जो है कोर्ट में खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने मुझसे एक बात कही, इस शो कॉल्ड शराब घोटाले 2 साल से कई जगहों पर रेड मारी गई, मनीष सिसोदिया के यहाँ कुछ नहीं मिला, एक भी पैसा नहीं मिला, सिसोदिया के यहाँ नहीं मिला, संजय सिंह के यहाँ नहीं मिला, हमारे यहाँ रेड मार ली, एक भी पैसा नहीं मिला, मेरा शरीर जेल में है लेकिन मेरी आत्मा आप लोगों के बीच है, आप लोग आंख बंद कीजिए और महसूस कीजिए।
अब इसके बाद आपको बता दें कि लगातार रिएक्शन देखने के लिए मिले बीजेपी के नेता जो है तजिंदर पाल सिंह बग्गा, उन्होंने बकायदा इस मामले को लेकर जो है उन्होंने एक वीडियो अपना बनाया जिसमें वो आग बंद करके आप कह सकते हैं कि एक्शन करते नजर आए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का आग बंद करके हमने कोशिश कर ली उन्हें ढूंढने की, लेकिन ऐसा नहीं ढूंढा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को उनकी बाद उनकी पत्नी जो है वो बहुत बड़ी नौटंकीबाज है। उन्होंने इस तरीके से लिखा भी कि बहुत ज्यादा नौटंकी है वो, अरविंद केजरीवाल से ज्यादा नौटंकी जो है वो ज्यादा इस वक्त कर रही है। तो इस तरीके से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। बगाने बकायदे से लेकर पूरा जो पोस्ट है वो उन्होंने साझा किया और अपने तरफ से जो बातें हैं उन्होंने लिखी और जो है अपना वीडियो उन्होंने बनाया। उन्होंने क्या लिखा कि @केजरीवाल सुनीता जी, उन्होंने टैग किया, भाभी जी आंखें बंद करके केजरीवाल जी नजर नहीं आ रहे हैं, आप झूठ बोल रही थी क्या ? वहीं इस मामले पर बीजेपी नेता हरीश खुराना का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं हरीश खुराना जी, भी जरा सुनिए। आज फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल मीडिया के सामने आकर एक नया ड्रामा रचने की कोशिश कर रही थी। ये तो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है ना, कि बेचारे हैं हम तो, बेचारा पॉलिटिक्स है जी, ये चलने वाला नहीं है। आज देश सवाल पूछ रहा है कि जिस शराब घोटाले के अंदर आज अरविंद केजरीवाल जी ईडी कस्टडी में है, आप जो कह रही है सो कॉल्ड घोटाला, उसमें 14 महीने से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं हुई है, क्यूरेटिव पिटीशन भी रद्द कर दी गई है, संजय सिंह जेल में है, वहीं विजय नायर जेल में है, और आप कह रही हैं ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं, सो कॉल घोटाला, और 28 तारीख को आप अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। हम मांग करते हैं सुनीता केजरीवाल जी कि आप इधर उधर की बातें छोड़िए और ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा कब देंगे। ये आप लोग तो कहते थे कि आपके ऊपर आरोप लगे तो इस्तीफा पहले होना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। आज जब खुद पे आया तो आप कह रहे हैं हम जेल शासन चलाएंगे, ये चलने वाला नहीं है। अरविंद जी आपको ये बताना होगा कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, और आप जो ये चिट्ठी चिट्ठी का खेल खेल रही है ये चलने वाला नहीं है। इसकी जांच हो रही है और ईडी जांच कर रहा है कि कैसे ये जो दो चिट्ठियां बाहर गई हैं अरविंद केजरीवाल की, उसकी भी जांच चल रही है, आपको भी इसका जवाब देना होगा। इसलिए मेरा मानना है सुनीता जी कि बेचारा पॉलिटिक्स खेलना बंद करिए और ये देश को बताइए कि जिस प्रकार से आज शराब घोटाले के अंदर इन लोगों की बेल नहीं हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 308 करोड़ रुपीस जो है वो कहीं ना कहीं मनी ट्रेल पकड़ा गया, इसलिए इधर उधर की बात मत करो, ये बताओ कि इस्तीफा कब होगा। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर हरीश खुराना जी कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, जेल से जो है शासन पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल जी जेल में है, उनकी पत्नी कहती हैं कि सो कॉल्ड भ्रष्टाचार हुआ है, सो कॉल्ड जो है शराब घोटाला हुआ है, इस मामले में इनके कई सारे जो है, विजय नायर जेल में है, मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल गई, अब अरविंद केजरीवाल भी जेल में चले गए हैं, तो अगर घोटाले हो ही नहीं रहे या किसी तरह का कोई घोटाला नहीं है तो आखिर ये जेल में क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके के सवाल जो है दागे गए। आपको बता दें कि वही इस मामले पर अगर आप देखेंगे तो इस मामले पर प्रतिक्रिया लगातार देखने के लिए मिल रही है। इस मामले पर तहसीन पूनावाला का बयान भी सामने आया। तहसीन पूनावाला क्या कुछ कह रही हैं, जरा सुनिए। इट इज टेरिबल दैट अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर इज लैंग्विशिंग इन जेल ऑन स्टेटमेंट्स ऑफ पीपल हु सन वाज अरेस्टेड, अनदर पर्सन हु गिव्स डोनेशन टू द भारतीय जनता पार्टी, उस कंपनी गिव्स डोनेशन टू द भारतीय जनता पार्टी। फॉर ओवर अ ईयर मनीष सिसोदिया जी हैज बीन लैंग्विशिंग इन जेल, for over 4 months Sanjay Singh ji has been languishing in jail, and the ED has not been able to establish any money trail to any of these leaders, let alone Arvind Kejriwal ji, who signed no file, who's taken no decisions, and if anyone signed the file it is the XLG. The money trail is well established. One industrialist who, by the way, the ED said is a money launderer and was doing money laundering and was arrested by the ED. After being arrested, via electoral bonds, his company gives money to the BJP. He then becomes an approver. His statement is the basis of which a sitting chief minister is arrested at a time when elections are round the corner. Courts must step in and they must release Arvind Kejriwal ji, Manish Sisodia ji and Sanjay Singh ji ASAP. The reason Arvind Kejriwal ji today is in jail is not because there is something wrong that the ED has found leading up to Arvind Kejriwal ji. It is because the BJP does not want a level playing field in elections. And therefore, not just the courts, even the election commission is duty bound to step in and to ensure
that Shri Arvind Kejriwal ji walks out of the prison along with Manish Sisodia ji and Sanjay Singh ji. Jaisa ki aapne Tehsin Poonawala ka bhi suna, Aam Aadmi Party is waqt is mamle ko lekar lagatar bokhlai hui hai ki Arvind Kejriwal jo hain, Arvind Kejriwal ki giraftari ko lekar cheeze kahi ja rahi hai, lagatar kaha ja raha hai ki giraftari galat hai, is tarike se nahi karni chahiye. Sunita Kejriwal ke bayan samne aa rahi hai jahan par wo saaf taur par ye baat keh rahi hai ki Arvind Kejriwal ji jo hai kal khulasa kar denge, sari cheeze jo hai samne aa jayegi. Ab wahi aapko bata de ki जिस तरीके से जेल से ये कहा जा रहा था लगातार कि जेल से सरकार चलेगी या जेल से सरकार ये चलाएंगे, इसे लेकर एलजी ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा. बीजेपी भी लगातार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है, लगातार जो है कह रही है कि इस तरीके से सरकार नहीं चल सकती है. वैसे मैं आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने ये दिल्ली से लेकर दो टुक अपनी बात रख दी है. उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने इस्तीफे से इनकार करते हुए कहा था कि वह जेल की सरकार चलाएंगे. अब एलजी वी के सक्सेना ने जवाब के बाद दिल्ली सरकार और राजभवन के बीच टकराव बढ़ गया है. अब ये देखना है, दिलचस्प होगा कि सरकार का कामकाज किस तरह आगे बढ़ता है. दरअसल आपको बता दें कि वीके सक्सेना ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दे सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी. कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल से पूछा गया कि क्या दिल्ली की सरकार अब जेल से चलेगी. सक्सेना ने दो टुक जवाब दिया, बता दें कि दो टुक उन्होंने जवाब दे दिया. और इसके बाद आप कह सकते हैं कि लगातार जो है चीज़ें देखने के लिए अब मिल रही है, तकरार देखने के लिए मिल रहा है. जैसे सरकार चलाने के लिए कुछ एक्सपर्ट एलजी की मंजूरी को सबसे अहम भी बता रही हैं. जैसे सरकार चलाने में व्यवहारिक दिक्कतों को लेकर संविधान विशेषज्ञ का कहना है कि यदि एलजी चाहे तो किसी इमारत को जेल घोषित जो है किया जा सकता है और वहाँ केजरीवाल को रखा जा सकता है. यहाँ से केजरीवाल सरकारी कामकाज भी देख सकते हैं. हालांकि एलजी ने साफ कर दिया है कि वह ऐसा नहीं करने जा रहे हैं. अब केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही थी और इसी बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जनमत संग्रह भी करा लिया था, सारी चीजें देखने के लिए मिली थी. लेकिन दिल्ली शराब घोटाले मामले में लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया. अब एलजी ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में जो सरकार है वो जेल से नहीं चलने वाली है. हरीश खुराना भी यही कह रहे हैं कि ये पहले ये खुद कहते थे कि अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का मामला साबित होता है, भ्रष्टाचार अगर आता है या उससे जुड़ा कोई मामला, तो पहले अपने पद से जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके ऊपर पूरी तरीके से ट्रायल चलाना चाहिए. जो भी फैसला आएगा, जब तक पाक साफ पूछ निकल कर नहीं आते हैं तब तक जो है किसी भी पद पर विराजमान होने का अधिकार नहीं है. तो वही अरविंद केजरीवाल आज अपने पद के मुंह में ऐसे बैठे हुए हैं, तो वो भी इस्तीफा देकर जब तक इस मामले की जो है तह तक नहीं पहुंचा जाता तब तक अरविंद केजरीवाल इंतजार कर सकते हैं. तो अब ऐसे में वीके सक्सेना कह रहे हैं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी. तो वहीं सुनीता केजरीवाल लगातार जो है इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है. कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री जो है बनाने की फिराक में है और इसे लेकर उन्होंने बातचीत जो है पूरी कर ली. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं और क्या केजरीवाल की कुर्सी पर सुनीता केजरीवाल यानी मैडम सीएम विराजमान होती है. तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, उस मामले पर बाप की भी जुड़ा है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा. धन्यवाद. देखिए मैं हम एलजी साहब के उस वक्तव्य का सम्मान करते हैं और स्वागत करते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं जेल से शासन नहीं चलने दूंगा. हम भी तो ये कह रहे हैं कि नई तरह की व्यवस्था किस तरह की व्यवस्था है कि आप कह रहे हैं कि जेल से शासन चलाएंगे. ये लोग वो लोग थे जो कहते थे कि जांच हो तो पहले अगर आपके ऊपर आरोप लगे तो पहले जांच का सामना करिए, पहले इस्तीफा दीजिए फिर जांच का सामना करिएगा. आज कह रहे हैं कि हम लोग जेल से शासन चलाएंगे. जेल से शासन चलने वाला नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. इसलिए एलजी साहब ने कहा कि हम जेल से शासन नहीं चलने देंगे, हम उसका सम्मान करते हैं और स्वागत करते हैं.